नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल गुरु चैनल पर। आज हम इटोजेसिक एमआर टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इटोजेसिक एमआर टैबलेट का मुख्य उपयोग मांसपेशियों में ऐंठन के कारण दर्द होने की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जायडस कैडिला कंपनी की 10 टैबलेट की यह स्ट्रिप आपको 258 रुपये में डॉक्टर के पर्चे पर किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। इटोजेसिक एमआर टैबलेट में इटोडोल एक आईपी 400 mg और थायकॉल चुकोसाइड आईपी 4 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद इटोडोल एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो कुछ केमिकल मैसेंजर को निकलने से रोकता है जिनकी वजह से दर्द और इन्फ्लेमेशन होता है। और थायकॉल चुकोसाइड यह एक मसल रिलैक्सिंग दवा है। यह मांसपेशियों की अकड़न और स्पाजम से राहत पाने और मांसपेशियों के मूवमेंट में सुधार के लिए मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के केंद्रों पर काम करती है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है, जिसको हिंदी में अस्थि संधिशोथ भी कहा जाता है। यह गठिया का सबसे आम रूप होता है। यह जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ साथ उनकी हिलने डुलने की गति में भी कमी कर देता है। यह शरीर के छोटे छोटे जोड़ों में भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह घुटनों, कुल्लों और रीढ़ की हड्डी के जोड़ों को प्रभावित करता है। इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे कभी कभी स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस भी कहा जाता है। यह भी एक गठिया का रूप है जो आमतौर पर रीढ़ की हड्डी में होता है। हालांकि यह अन्य जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। और साथ ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही शरीर के ऊतकों पर हमले करने लगती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों की परतों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे उनमें दर्द और सूजन होने लगती है और अंत में इसके परिणाम स्वरूप हड्डी या घिसना या फिर जोड़ों में विकृति होने जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जुड़ी सूजन शरीर के अन्य भागों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। गंभीर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण शारीरिक विकलांगता जैसी समस्या भी हो सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही मांसपेशियों में एंटर होने के कारण दर्द होने की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट की। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट से आपको मिचली आना, उल्टी, सीने में जलन, पेट दर्द, भूख में कमी, अपचन और नींद आना, यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह टैबलेट लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट महसूस होते हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करिए, ताकि आपको ओवरडोज या फिर ड्रग इंट्रैक्शन ना हो। यदि इस टैबलेट का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिला को करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले, उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। यदि आपको लीवर या फिर किडनी जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। यह टैबलेट लेने से पहले या फिर बाद में अल्कोहल का प्रयोग ना करें और साथ ही यह टैबलेट लेने के बाद ड्राइविंग ना करें। बात करते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस टैबलेट का डोज आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से पूछ लें। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति, रोगी की आयु और अन्य कारणों के आधार पर इस टैबलेट का डोज अलग हो सकता है, इसलिए इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। आदत व्यक्ति एक टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।